हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को DG99 फॉन्ट्स देने वाला हूं, जो कि इसका डाउनलोडिंग लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में जो पासवर्ड है वो मैं अपनी आवाज़ यानी कि अपनी भाषा में आप सभी को बोल दूँगा। तो आप सभी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपनी मोबाइल की यूनिक वैड एप्लीकेशन पे। तो फाइनली मैं अपने यूनिक वैड एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो फॉन्ट्स है, मैं फॉन्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टाइप मैं करता हूँ, आप जो अपने हिसाब से टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं टाइप करके लिख डालता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप करके लिख लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों इसे आप फाइनली कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लिए हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है अपनी मोबाइल की पिक्सल ऐप एप्लीकेशन पे। तो अपने मोबाइल के पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को इस तरह से आप ऑन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट है वहाँ पे आप आके डिलीट कर लीजिएगा। अगर आपको न्यू टेक्स्ट लेना है तो प्लस आइकन पर जाएंगे, फिर से टेक्स्ट पर जाएंगे, इसके बाद इस पर डबल प्रेस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसे कैंसिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कॉपी किए थे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ओके कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डबल लगता है हमको हो चुका है, तो यहाँ पर बैक कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो ए में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर फॉन्ट्स है, तो फॉन्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकेंड वाली फॉन्ट्स, जो कि आप सभी को ये वाली फॉन्ट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पासवर्ड नंबर 180, तो यहाँ पे पासवर्ड मैं बोल दिया हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इस फॉन्ट्स को देखिए यहाँ पे हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर इसका एडजस्ट कर लेते हैं। कलर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, अगर जो कलर आपको एडजस्ट करना है तो प्लस पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ब्लू ले लीजिएगा इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर ब्लैक ले लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर ब्लैक इस तरह से आप ले कर देखिए ओके कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कलर हो गया है। इसके बाद सही निशान पे क्लिक करने के बाद स्ट्रोक लगा लीजिएगा। तो स्ट्रोक वाइट आप ब्लैक जो चाहिए आप अपने हिसाब से लगाइएगा। तो स्ट्रोक को दोस्तों कुछ इस तरह से आप ज़्यादा 10 से प्लस रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी इसे ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लीजिएगा अपनी मोबाइल गैलरी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेव कर लिए हैं। तो सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से न्यू पेज लीजिएगा। डिफ़ल्ट में जाएंगे, इस यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लीजिएगा। इसके बाद अपनी मोबाइल की गैलरी पे जाएंगे, और जो चीज़ मैं अभी यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए देख सकते हैं पिक्सल ऐप में इसे रखा था PNG करके, उसे कुछ इस तरह से आप एडजस्ट करके सही निशान पे लगा के उसे अपने डिस्प्ले पे ला लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आप स्ट्रोक लगा लीजिएगा दो। इसके बाद सही निशान पर क्लिक करने के बाद 3D शेप पर जाइएगा। इसे कुछ इस तरह से इनेबल करने के बाद ओवलाइव क्यू पे जाइएगा। ओवलाइव क्यू पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आप 4 या 3 जो लेना है आपको ले लीजिएगा। कलर एडजस्ट अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसे कम कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसे छोटा कर कुछ इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं फटने लगा है। तो कुछ इस तरह से आप इसे डिसेबल कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख के इसे कुछ इस तरह से नीचे कर लीजिएगा। इसके बाद सही कर लीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों आप सभी देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका है। तो पासवर्ड नंबर 2 यानी पासवर्ड नंबर 239, तो आप सभी देख सकते हैं मैं पासवर्ड बोल दिया हूं। तो आप सभी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।